tell me now my voice is clear. Write in a chat box. चैट बॉक्स में लिखेंगे आप. अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस. फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करें, डोंट गेट लेट. यस चार वी. क्लियर है? चल ओके. अभी आ रही है मेरी आवाज सभी को? चलिए, ये स्क्वायर होता है और ये क्यूब होता है. ये स्क्वायर और क्यूब में ये कहीं से भी रोटेट करेगा तो स्क्वायर से दिखाई दे. तो ये है, सॉरी हाँ, ये है स्क्वायर और ये है क्यूब. फर्क समझाया आपको स्क्वायर और क्यूब की? क्या फर्क है? ये देखिए, इसमें कोई भी ऐसी फेस नहीं है कि आप इसको चारों तरफ घुमाओ और चारों तरफ स्क्वायर देंगे, जबकि ये क्यूब देगा और इसके अंदर आपको हर जगह आपको स्क्वायर दिखाई देंगे. इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर. समझ आया? ये होता है स्क्वायर और ये होता है क्यूब. क्लियर? यस एवरीवन, टेल मी. नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड. ये होता है रेक्टेंगल. इट्स अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है और ये एक तरह से क्यूबॉइड होता है. ये क्यूबॉइड होता है. इसमें आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल. इसमें बेटा चारों घुमाओगे एक्चुअली है तो रेक्टेंगल. ये वाली फेस स्क्वायर है, इसको रेक्टेंगल तो ये क्यूबॉइड होगा. इससे की फेस देखिए. सी इसमें आप देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्लियर. बट इसमें आपको हर रेक्टेंगल दिखाई देंगे. रेक्टेंगल, यस दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल. सब जगह इसमें आपको रेक्टेंगल दिखाई देंगे. क्लियर और नॉट? Yes, everyone at least reply. आपको reply नहीं आ रहे हैं? Yes. आप लोगों के किसी के reply नहीं आ रहे बेटा? प्रांशु, कृशालिबा, मित्वा, समझ आया सभी को ये? यस समझ आया. यस ओके. ओनली मित्वा इज सेइंग यस. नो वॉइस. यस मैम. प्रांशु ओके. मनन समझ आया? मैंने अभी तक जो आपको क्यूब और सर्कल का और क्यूबॉइड का बताया. यस yes? ठीक है. सी एक बात सुनिए, अभी मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना तो आप मेन फेस को देख लीजिए. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करिए कि जब मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ तो आप मुझे सुनिए, और जब मैं अपना ऑडियो ऑफ ऑन करूँ, जब अपना वीडियो ऑन करूँ तो आप शेप्स को ढंग से देखिए. मैं शेप्स के बारे में क्या कह रही हूँ. क्लियर? ठीक है.
आप अच्छे से शेप को देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन तो हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। बट शेप देखिए, मैं शेप कैसे दिखा रही हूँ ना, बस उतना सा ध्यान रखिए, बाकी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ओके चलिए, मैं वापस अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर रही हूँ। नाउ दिस इज अ सिलेंडर शेप, ये होती है सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप ये फेस फ्लैट होता है, ये दोनों फेस सिलेंडर शेप में फ्लैट होते हैं। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं घूमेगा, पाम टर्न नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा पाम टर्न होगा, ये कर्व सरफेस होगी, जबकि यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो सिलेंडर शेप में दो, ये देखिए सिलेंडर शेप ऐसी होती है, यहाँ फ्लैट होती है और यहाँ पे घूमती होती है, बोलते हैं क्लियर। इसको बोलते हैं कोन शेप। आप बंदे क्या देखते हैं, उसके अंदर ये तो देखते हैं लेकिन खाली होती है, जबकि कुछ होती खाली नहीं होता, ये फ्लैट फेज होती है, ये कोन की फ्लैट वाली फेज होती है ना। और ये कोन, ये सिलेंडर होता है, ये कोन होता है, क्लियर बेटा मेरे, ये फ्लैट होता है, ये कोन होता है, एक क्यूब होता है और ये स्फीयर होता है। अब ये क्यूबॉइड होता अगर यहाँ पे भी रेक्टेंगल साइज हमें दिखता, आगे से यहाँ पे क्यूब होती, यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप होती। सभी को साइज और शेप क्लियर हुए? शेप सभी को क्लियर हुए? राइट इन अ चैट बॉक्स, शेप सभी को क्लियर हुए? यस। तो अब आप लोग मिस्टेक मत करना, क्योंकि जनरली आप लोग क्या कर रहे हो, क्यूब को भी स्क्वायर ही बोल रहे हो, जबकि क्यूब, अभी मैंने आपको दिखाया ना, क्यूब अलग है और स्क्वायर अलग है। ये ब्राउन कलर के मैंने आपको जो दिखाए थे ना, ये सारे 3D शेप थे, और ये जो मैं आपको कलरफुल थर्माकोल में दिखा रही हूँ, ये सारे 2D शेप हैं। सबको क्लियर हुआ? तो यस और नो? यस, सभी को क्लियर हुआ। चलो ओके, तो अब हम अपनी रिवीजन शीट पे आ जाते हैं। हमारी रिवीजन शीट पे चैप्टर 6 नंबर्स 21 to 100। ओके ठीक है, हमें यहाँ पे काउंटिंग स्किप काउंटिंग से चालू करना है ना। यस और नो? यस, हमें स्किप काउंटिंग से चालू करना है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। चलिए तो देखिए, स्किप काउंटिंग के लिए मैं 2 मिनट अपना कैमरा ऑन करके आपको कुछ दिखाऊंगी, आप देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मिनट बेटा, मैं अपना कैमरा ऑन करके आपको दिखाती हूँ क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको। देखिए, आप मुझे बताएंगे कि स्किप काउंटिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कितने नंबर स्किप किए हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर स्किप्ड इन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर्स स्किप किए हैं? नॉट सीइंग, बट अभी मैंने अपना वीडियो ही ऑफ कर रखा है, आपको कैसे मैं सीइंग होंगी? माय क्वेश्चन इज दैट, यस शार्वी, हमने 2 नंबर्स स्किप किए, क्लियर। तो अब देखिए, अब मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ, आपको देखना है, वेट अ मिनट। सी ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 0 नहीं है, तो सबसे पहले हम रखेंगे 2 पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि जब हम 2 में और 2 स्किप करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें? When we skip 2 number from 2, then which number we will get? 2 में और 2 add कर दीजिए, yes 4, clear। रुशिद बेटा सबको दिख रहा है, तो बेटा थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करके देखो, अगर दिखता है तो आपको बेटा, यस 4, ओके।
नाउ अब फोर में टू स्किप करेंगे, क्या मिलेगा आपको व्हेन यू स्किप? यस सिक्स, क्लियर? अब आप सिक्स में टू स्किप करिए, सिक्स में भी टू स्किप करिए, क्या मिलेगा? एट, है ना? अब एट में टू स्किप करिए, टेन, टेन में टू स्किप करिए, ट्वेल्व, ट्वेल्व में टू स्किप करिए, यस ट्वेल्व में आप टू स्किप करिए, फोर्टीन, अब फोर्टीन में टू स्किप करिए, यस सिक्सटीन। तो सी कौन कौन से नंबर हुए? टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन एंड सिक्सटीन। इसी तरह से आप फिफ्टी तक कर सकते हैं, है ना? जैसे फिर यहां रखा, फिर एक छोड़ के फिर एक यहां रखा। और अगर आप फाइव की काउंटिंग करेंगे तो पहले फाइव पे रखेंगे फिर टेन पे रखेंगे। क्लियर? समझ आया है सभी को? यस, अभी जो आपको कराया वो समझ आया सभी को? यस सबको समझ आया जो मैंने आपको कराया? क्या थी हमारी स्किप? ठीक है, अभी मैं सुनाई दे रही हूँ सभी को। एम आई ऑडिबल? यस एम आई ऑडिबल नॉट? यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल और नॉट? Am I audible? Now my voice is clear? Yes. अभी clear है ना? ये actually मुझे ये camera on करते हैं तो network थोड़ा सा disturb होता है, और वैसे सारी classes आज ढंग से गई थी। I don't know कि थोड़ा सा problem आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब now your question is that कि ये देखिए, ये skip counting की ना बहुत अच्छी activity है। ठीक है, बट नाउ योर क्वेश्चन इज दैट कि अब आपके पास तो ऐसा बॉक्स नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो सी, सबके पास प्लास्टिक के बाउल्स होते होंगे। सबके पास है प्लास्टिक के बाउल्स? यस और नो? सी, प्लास्टिक के बाउल्स सबके पास है? प्लास्टिक के आते हैं ना, सॉरी थर्माकोल के, थर्माकोल के छोटी छोटी कटो बाउल्स आते हैं थर्माकोल के, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, थर्माकोल के अलग अलग आप थर्माकोल के 25-50 बाउल्स ले लो। ठीक है, और उन बाउल्स पे मार्कर से लिख दो, मार्कर से 1, 2, 3, 4, 50 तक मार्कर से लिख दो। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करो, स्टोन या कोई भी चीज, रोड पे स्टोन तो आराम से ही मिल जाता है, आप उस स्टोन को लेकर ना ये एक्टिविटी भी कर सकते हो जिससे आपके माइंड में क्लियर होगा कि स्किप काउंटिंग क्या होती है। आप उस स्टोन को लेकर, जैसे आपको टू की स्किपिंग करी है तो आप उन बाउल्स पे जो आपने नाम लिख रखा है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 तक, आप उस बाउल्स पे अपने स्टोन को रखो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है ना, अलग अलग ब्लॉक्स बने, आप ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बाउल्स बनाइए और उन बाउल्स पे अपनी स्टोन को अलग अलग जगह पे रखिए। समझ आया सभी को? यस क्लियर? यस शिवांश बेटा एक मिनट। वेट अ मिनट शिवांश बेटा, मैं आपकी आईडी ढूंढ रही हूँ। यस शिवांश मैम। यस आपने जो चीज दिखाई ना अभी बाउल वाली प्लस, वो फिर से दिखाओ तो, आपने टू स्पीकिंग करी थी। अच्छा वो दिखाऊं फिर से आपको? वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, इसके लिए मुझे कैमरा ना बैक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, दिखा? यस yes. आप क्या करिए, यहाँ पे आप छोटे छोटे ना बाउल ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक ही स्टोन, आपको जैसे टू कहे तो टू की स्किपिंग करनी है, ऐसे छोटे छोटे बाउल ले लीजिए आप। ओके
थैंक यू मैम। ओके बच्चे, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग बाउल्स के साथ ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? नो सी? यस, समझ आया? चारवी, वेयर इज चारवी? समझ आया सभी को? आप ऐसे क्या करिए, सी छोटे छोटे बाउल्स ले लीजिए, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक उसके आते हैं ना थर्माकोल के, उसे 1 से 50 तक अरेंज करिए। फिर स्टोन, कोई भी रोड पे स्टोन मिल जाएगा, मान लीजिए 2 की स्किपिंग है तो आप 2 नंबर के बाउल पे रखिए, फिर 4 नंबर के बाउल पे रखिए, अगर 5 की स्किपिंग है 5 नंबर के, बेटा मेरे खुशी, मुझे ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। यस रुषित, 1 मिनट बच्चा। यस रुषित बेटा, मेरे पास ऐसे 50 बाउल्स नहीं है। ऐसा बाउल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास बाउल नहीं है ना तो आप एक पेज लीजिए, उस पेज में 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख दीजिए, ठीक है। फिर स्टोन लीजिए और जैसे आपको बोले 2 की स्किपिंग कर दे तो अपना स्टोन 2 की स्किपिंग करते हुए रखो, पहले अपना स्टोन 2 पे रखो, फिर 4 पे रखो, फिर 6 पे रखो, वो तो हो जाएगा ना रुषित? यस मैम। तो उस पे कर लीजिए, पेपर पे कर लीजिए। मैंने तो एक सजेशन दिया कि अगर आपको थोड़ा सा अलग उस वे में करना हो तो आप बाउल्स के साथ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक के बाउल्स इजीली अवेलेबल है बेटा मार्केट में, 50 अराउंड मिल जाएंगे आपको आराम से, ठीक है। यस त्रिशा मैडम, यस त्रिशा बेटा। मैम यस, अब क्या भी करा नहीं हो तो वो क्रिसमस थे क्या, अब क्या करा नहीं है वो, अब वो क्रिसमस थे क्या है, वो क्रिसमस थे वो अभी करा नहीं, 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 क्लास वर्क नहीं है बेटा, वर्कशीट के साथ साथ करा रही है। वर्कशीट में आपके स्किप काउंटिंग है ना, तो आपको जस्ट एक एक्टिविटी बता रही हूँ ताकि आपके माइंड से ना एकदम स्किप काउंटिंग क्लियर हो जाए कि स्किप काउंटिंग होती क्या है बेटा। क्लियर? ओके मैम। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका स्किप काउंटिंग बाय 5। तो सी इसमें 5 का टेबल ही है ना, तो अब आप मुझे 5 से लेके 50 तक का टेबल, सी डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ एल्डर, मम्मा की हेल्प कोई नहीं लेगा, सब बच्चे अपने आप टाइप करेंगे, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, मुझे 5 का टेबल आप सब लिख के बताइए चैट बॉक्स में, कोई मम्मा की हेल्प नहीं लेगा। 5 स्किप करना है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, 5 स्किप करना है, सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, देन आप 10 लिखेंगे, देन आप 15 लिखेंगे, तो एक बार में मुझे पूरा करके बताइए और सारे बच्चे अपने आप करेंगे, अलग दीजिए एक साथ दीजिए बट अपने आप 50 तक काउंट करके देंगे मुझे। यस चारवी बेटा, क्या हुआ, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी? पेज नंबर 4, यस यस वेरी गुड, ओके शिवांश पटेल, पूरा टेबल एक साथ, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए तो इसमें क्या है हमारा, 5 का टेबल है, यानी आप यहाँ पे 5 की स्किपिंग है बेसिकली। क्लियर? ओके चारवी, चलिए नाउ चारवी कम टू द क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, डू एज डायरेक्टेड।
यानी यहाँ पर आपको ऐसा ही इसका 10 वाला आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेटवर्क इश्यू है, ओके चलिए कोई नहीं। तो फिर भी अगर चार भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो बेटा आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। ओके चार भी बेटा, वेट फॉर व्हाट, यस ऑफ कोर्स नेटवर्क के लिए वेट करना पड़ रहा है, बट अगर चार भी आपको कुछ नहीं समझ आता बेटा वीडियो में आ जाएगा, आप उसमें देखोगे ना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप मुझे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। स्किप काउंटिंग देखा चार भी आपने, एटलीस्ट देखा ना आपने स्किप काउंटिंग, ओके ना, ओके ओके चलिए। सब बच्चों ने मुझे एक चीज आप मुझे सबसे पहले फटाफट चैट बॉक्स में लिख के सब देंगे, सब बच्चों ने आज शेप और स्किप काउंटिंग समझा और देखा, इतना सा बताएंगे आप सब, यस यस, सबका जवाब यस और नो में आना चाहिए। नेटवर्क इशू था आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये बेसिक टॉपिक्स थे जो जरूरी आने चाहिए आप लोगों को, ये सबको समझ आया ना, बस बाकी थोड़ा यस नो। क्यों रुशिद बेटा, क्या नहीं देखा आपने रुशिद, वेट अ मिनट रुशिद, यस रुशिद बेटा, ये रुशिद प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, यस मैम, बोलो रुशिद क्या नहीं देखा बेटा आपने, मैंने सब कुछ देखा, मुझे क्या कुछ नहीं, क्या डाउट है, क्या बोल रही हूँ, तो फिर आपका आ रहा है ना मैम यस नो तभी। चलिए आज बेसिक जो हमारा बेसिक रिवीजन शीट कंप्लीटेड, नो रिवीजन शीट इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी स्टिल पेंडिंग है रिवीजन शीट, बट बेसिक आज जो मैंने आपको कराया वो आपको आना जरूरी था, वो सबको समझ आया ना आज, रिवीजन शीट तो हम कल भी कर लेंगे कोई बात नहीं, रिवीजन शीट बड़ी चीज नहीं थी, आज बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि क्या स्क्वायर होता है और क्या क्यूब होता है, क्लियर, इतना सबको आज क्लियर हुआ, चलिए ये अच्छी बात है कि सबको बेसिक कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो गया। चलिए नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, हमारी रिमेनिंग वर्कशीट है वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर एवरीवन, यस मैम, बोलिए बोलिए, यस मैम, आपके जो कल कर लेंगे वर्कशीट, कल तो संडे है, अरे कल तो संडे है, फिर हम क्या करेंगे आप बताओ, संडे मंडे करा देना, मंडे और बेटा इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये समझने की ही चीजें होती है कि कल का मतलब होता है कि संडे को तो छुट्टी है, और आप लोग कहो तो हम लोग संडे को भी अपनी क्लास ले लेते हैं ना, फर्स्ट क्लास हम लोग, यस एवरीवन रेडी संडे के लिए, सब तैयार हो, राइट इन अ चैट बॉक्स, सब तैयार हो संडे के लिए, नो नीवी सिंह नो मैम, बहुत ज्यादा हो जाएगा, खुशाली भाई सिंह नो, ओके लेकिन बेटा संडे को आप लोग रिलैक्स करो, संडे को आपको जो पोर्शन आप पूरे 6 दिन आप अच्छे से पढ़ते हो ना, संडे अच्छे से हम पढ़ाते हैं, संडे को आप लोग अच्छे से उसे रिवाइज करो, फिर मंडे को कोई क्वेरी हो तो वो पूछना, क्लियर, चलिए एवरीवन बाय बेटा, चलिए अभी सबको बाय कर देते हैं, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय।